नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आरसीबी टीम को अपना 13वां मुकाबला जो है सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शनिवार को खेलना है। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू हो जाएगा। अब ऐसे में दोस्तों इस दिन जो है दो काफ़ी रोमांचक मुकाबले होने वाले हैं, जहाँ पर दोस्तों पहला मुकाबला जो होगा वो होगा दिल्ली बनाम मुंबई के बीच में। इसके बाद दोस्तों दूसरा मुकाबला जो होगा वो होगा आरसीबी बनाम हैदराबाद के बीच में। ऐसे में दोस्तों अगर दिल्ली वहाँ पर हार जाती है तो फिर दिल्ली के लिए प्लेऑफ की राह थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली को अपना आखिरी लीग मैच जो है आरसीबी टीम के खिलाफ ही खेलना है। ऐसे में दोस्तों दिल्ली और आरसीबी हम यही उम्मीद करेंगे कि दोनों टीमें जीत जाए और प्लेऑफ में अपनी जगह जो है लगभग फाइनल कर ले। अब दोस्तों बात करें इस मैच में आरसीबी टीम की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, हैदराबाद के खिलाफ कौन से 11 खिलाड़ी होंगे जो आरसीबी टीम के लिए मैदान पर उतरने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि रोजाना अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों चलिए शुरू करते। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सब जानते हो कि अभी IPL 2020 चल रहा है, ये सीज़न मैंने बहुत सारा एप्लीकेशन यूज़ किया है, बट आज मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही खास एप्लीकेशन है, जहाँ पर मैं डेली ढेर सारे पैसे कमा रहा हूँ। तो दोस्तों इसका नाम जो है लीग एक्स है। ये एक फैंटेसी एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप भी डेली कैश कमा सकते हो। इसमें आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, जैसे कि इसमें आपको RS25 का इंस्टेंट बोनस मिल जाएगा डाउनलोड करने के साथ में, और साथ में 7+3 फ्री एंट्रीज ऑफर मिलेगा, एक बोनस प्लस 2 फ्री एंट्रीज का। इसके साथ ही दोस्तों 10-40% डिपॉजिट ऑफर मिलेगा विथ लक्की कार्ड्स के साथ में, और दोस्तों 100% आप बोनस को यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पर आप कैश को इंस्टेंट विदड्रॉ कर सकते हो। लीग एक्स एक ऐसा पहला वेबसाइट है जहाँ पर आप टीम सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, और साथ में सोशल चैट कर सकते हो एक दूसरे के साथ में। यहाँ पर आपको हर रोज़ न्यू ऑफर्स भी मिलेगा, जैसे कि फ्री लीग्स, लीडरबोर्ड्स ऑफर्स, इवन आप डेली टास्क कंप्लीट करके भी यहाँ पर XP एंड बोनस पा सकते हो। तो अभी जाके टीम बनाइए और प्रूव कीजिए कौन बेस्ट है। इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर मेरा प्रोमो कोड भी है जिसको यूज़ करना मत भूलिएगा। तो भाइयों मेरा प्रोमो कोड जो है वो है DEERE और X, इसको यूज़ करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए इस ऐप को और आप भी ढेर सारे पैसे कमाइए। दोस्तों बात करें पिछले मुकाबले की, तो पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के हाथों आरसीबी टीम को हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच में आरसीबी की टीम ने अपने प्लेइंग 11 में काफ़ी बदलाव किए थे। पहला बदलाव ये किया गया था कि अरुण फिंच की प्लेस पर जोशुआ फिलिप की टीम में वापसी हुई थी। फिलिप जो है ओपनिंग करते हुए नजर आए थे और शानदार लय में दिखाई दिए थे। उन्होंने एक शानदार पारी खेली थी और टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई थी। इसी वजह से दोस्तों इस बार भी जो है जोशुआ फिलिप हमें कन्फर्म खेलते हुए नजर आने वाले हैं, फिंच की वापसी नहीं होने वाली है। वहीं दोस्तों दूसरा बदलाव ये किया गया था कि इजरुद्दाना की प्लेस पर स्टेन को शामिल किया गया था। वहीं दोस्तों इंजर्ड नवदीप सैनी की जगह पर शिवम दुबे की टीम में एंट्री हुई थी। अब दोस्तों बात करें कि हैदराबाद के खिलाफ आरसीबी टीम की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ बड़े बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। बात करें 11 खिलाड़ियों की, तो पहले जो दो ओपनर्स होंगे वो खेलते हुए नजर आएंगे, वो होंगे देवदत्त पड्डीकल और जोशुआ फिलिप। फिलिप ने शानदार पारी खेली थी पिछले मैच में। इसके अलावा दोस्तों पड्डीकल तो शानदार लय में ही है, उन्होंने पिछले मैच में एक और 50 लगाई थी और आरसीबी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में उनका बड़ा हाथ रहा था। इसके बाद दोस्तों तीन पर खेलते हुए नजर आएंगे विराट कोहली कप्तान है जो कि, इसके बाद 4 पर यहाँ पर एवी डिविलियर्स खेलेंगे, 5 पर दोस्तों यहाँ पर खेलेंगे गुरकीरत सिंह मान, इसके बाद 6 पर दोस्तों यहाँ पर नवदीप सैनी अगर फिट नहीं होते हैं तो हो सकता है कि शिवम दुबे को मौका दिया जाए और वही खेलते हुए नजर आएंगे, या फिर दोस्तों हो सकता है कि उमेश यादव को भी टीम जगह दे सकती है। तो दोस्तों अगर सैनी नहीं खेलते हैं तो शिवम दुबे या फिर उमेश यादव की टीम में एंट्री हो सकती है। इसके बाद दोस्तों 7 पर खेलते हुए नजर आएंगे यहाँ पर क्रिस मॉरिस, 8 पर खेलेंगे वॉशिंगटन सुंदर, 9 पर खेलेंगे इजरुद्दाना, 10 पर खेलेंगे यहाँ पर दोस्तों मोहम्मद सिराज, और 11वें नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे युजवेंद्र चहल। तो ये हो गए हमारे हिसाब से आरसीबी टीम की प्लेइंग 11। ये प्लेइंग 11 हो सकती है हैदराबाद के खिलाफ आरसीबी टीम की, जो कि मैदान पर उतर सकती है। वहीं दोस्तों आरसीबी की टीम फिलहाल जो है अंक तालिका में दूसरे स्थान पर मौजूद है। ऐसे में यदि आरसीबी टीम को प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है तो उन्हें 2 मैचों में से एक मुकाबला हर हाल में जीतना ही पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों टीम यही चाहेगी कि हैदराबाद को किसी भी तरह हराया जाए और प्लेऑफ में अपनी जगह जो है पक्की की जाए। तो दोस्तों ये थी हमारे हिसाब से आरसीबी टीम की प्लेइंग 11 हैदराबाद के खिलाफ। आपको क्या लगता है, क्या हो सकती है प्लेइंग 11, हमें कमेंट करके बता सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।